ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर नंबर 4, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ अभी। थीटा एक्यूट एंगल की वैल्यू के बिना हमने सिर्फ रेशियोज डिस्कस किए, बट वी हैव सम वैल्यूज टू रिमेंबर फॉर पर्टिकुलर एंगल, जैसे कि थीटा की वैल्यू। थीटा इज नथिंग बट द एंगल। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पीछे जो थीटा लगा हुआ है, थीटा इज नथिंग बट द एक्यूट एंगल। इफ वी कंसिडर दैट थीटा एज अ परफेक्ट वैल्यू, एज अ परफेक्ट एंगल लाइक 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, तो उसके वैल्यूज, उसके रेशियोज क्या बन के आते हैं, दैट वी हैव टू लर्न, दैट वी हैव टू रिमेंबर। उसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, और ये टॉपिक जो हम लर्न करने के लिए जा रहे हैं, बाय द वे ये पूरा चैप्टर 10th में, 11th में, 12th में, कहीं पर भी आप जाओगे, ये इम्पोर्टेंट रहेगा बेटा। कैसे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाइज हो, अपनी स्कूल एग्जाम वाइज हो, कोई भी कोर्स हो, अगर आप कॉमर्स में भी जाते हो, साइंस में जाते हो तो 100% यूजफुल है, कॉमर्स में भी जाते हो तो भी आएगा, आर्ट्स में जाओगे तो 11th 12th में नहीं आएगा। आफ्टर दैट एंट्रेंस एग्जाम्स, GPSC, UPSC, फर्दर कोई भी एग्जाम्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको रेडी रहना है और बेसिक कंसेप्ट्स उसके बना के रखने हैं। दिमाग को एक्टिव रखिएगा और बोर्ड पर आपका ध्यान होना चाहिए। किस तरह से अपन साइन में जो थीटा है, वो थीटा की वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज के लिए अपन को डिस्कस करना है अपने सिलेबस में, अपने सिलेबस में बहुत सारे वैल्यूज है थीटा, दैट कैन बी एनी, बट अपने सिलेबस में कौन से वैल्यूज के लिए अपने डिस्कस करना है, वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड डियर फ्रेंड्स 90 डिग्री, दैट इज ऑफ साइन कॉस टेन। बेसिकली सबसे पहले ये तीन की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद बहुत सारी डिस्कशन आगे भी करेंगे, फॉर व्हाट, सेक कॉसेक एंड कॉट। ये टेबल को लर्न करना उतना ही आवश्यक है जितना हर रोज सांस लेना है ना, इतना आवश्यक है, मतलब आप समझ लो कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको समझनी है और ये टेबल को लर्न कर लेना है। टेबल बहुत सारे लोगों को याद हो गया होगा, रीजन स्कूल में बताया था, स्कूल में सिखाया था, तो टेबल तो याद है, बट How's the value occur? That we will learn today. So, ये टेबल के ऊपर ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले अपन ये ले रहे हैं कि भाई ये एक है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ऑल साइड्स आर इक्वल। एम आई राइट और रॉन्ग स्टूडेंट्स? साइड्स तो इक्वल ही होंगे कि नहीं होंगे? ABC के अंदर AB, BC और AC की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। चलो अपन मान लेते हैं इक्वल मतलब कितनी रखनी है सर, चलो अपन रख लेते हैं 2x, ओके, लेट इट बी 2x, चलो 2x रख लेते, सबकी लेंथ है 2x, ओके। इन राइट एंगल, सॉरी, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द एंगल्स CBA हैविंग मेजरमेंट 60 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री तीनों का समेशन है, अभी थ्री साइड्स इक्वल, अपोजिट टू देम ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल आर 60 डिग्री, यस और नो स्टूडेंट्स? सो ऑल थ्री एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। नेक्स्ट, इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन BC, इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन BC, दैट ऑल्सो डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स। रिमेंबर माई डियर फ्रेंड्स, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अदर ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग एल्टीट्यूड एंड मीडियन एट द सेम पोजिशन,
मीडियन ही एल्टीट्यूड. व्हाट डज इट मीन? मीडियन दैट डिवाइड्स ऑपोजिट साइड इनटू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड मीडियन. एल्टीट्यूड विच इज एट 90 डिग्री ऑन द ऑपोजिट साइड फ्रॉम ए इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. बट एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल. इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड इट्सेल्फ द मीडियन, मीडियन इट्सेल्फ द एल्टीट्यूड. ध्यान रखना बेटा. सो 90 डिग्री इंक्लिनेशन भी देगा प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दैट डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट. 2x डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स x एंड x, एज सिंपल एज दैट. चलो ध्यान रखिएगा, 2x बदल गया x इनटू x. ओके, इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए एम सी, नॉट ए बी सी, चेक ए एम सी. ए एम सी, ए सी इज नोन, एम सी इज नोन, ए एम इज मिसिंग. इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम सी मेजर एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, एम 90 डिग्री. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर. पाइथागोरस को दिल से याद करेंगे बेटा. क्या कहता था बेचारा पाइथागोरस? ए सी की वैल्यू 2x का स्क्वायर, ए एम की वैल्यू पता नहीं का स्क्वायर, एम सी स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर. सो 2x स्क्वायर दैट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. जंप ऑन लेफ्ट साइड बिकम्स नेगेटिव एक्स स्क्वायर. 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर. स्क्वायर रूट बोथ दिस साइड. सो ए एम इक्वल्स टू रूट 3x, ए एम इज इक्वल्स टू रूट 3x. दोनों बाजू स्क्वायर रूट करेंगे तो ए एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए एम, 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 और x. सो ए एम की वैल्यू रूट 3x. अब बेटा आप सब लोग समझते हो कि भाई जो फाइंड करना है वो करो. कहाँ पर खड़े हो जाओ? सी के ऊपर. तो मिल जाएगा आपको साइन थीटा. थीटा की वैल्यू हमारे बस में है, अभी पता है थीटा की वैल्यू. सो थीटा के बदले अपन क्या रख सकते हैं? 60 एक्यूट एंगल थीटा. नहीं, थीटा के बदले अपने इक्विलेटरल में मालूम है 60 डिग्री. सो इंस्टेड ऑफ थीटा सब्स्टिट्यूट 60. साइन 60 डिग्री. साइन थीटा मतलब ऑपोजिट. सी का ऑपोजिट साइड कौन है बेटा? ए एम सी को ही ऑब्जर्व करो. ए एम सी को मतलब ए एम ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस 2x. सो रूट 3x अपॉन 2x. एक्स एक्स कट ऑफ कितना आया बेटा? साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2. कितना सिंपल है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. सो साइन का 60 का वैल्यू है रूट 3/2. ओके नेक्स्ट. चलो वहीं पर खड़े होके अपन कॉस 60 को बुलाते हैं. कॉस 60 रेशियो क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. सर सी का एडजेसेंट पोजिशन है एम सी, एम सी अपॉन ए सी. दैट मीन्स एक्स अपॉन 2x, एक्स एक्स कैंसल 1/2. सो हियर वी कैन नो अबाउट कॉस 60. द रेशियो कॉस 60, कॉस 60 डिग्री इज ऑलवेज 1/2. नेक्स्ट tan को भी फाइंड कर लो भाई. tan को भी फाइंड कर लेते हैं. चलो tan 60 डिग्री, tan 60 यहां से 60 tan, tan मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब रूट 3x अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसल. क्या बचेगा बेटा? रूट 3. तो कितना आएगा tan 60 का वैल्यू? रूट 3. दिस आर नथिंग बट द रेसिप्रोकल्स. नो नीड टू डिराइव दिस ऑल, जस्ट मेक इट रेसिप्रोकल. चेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पोजिशन, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा. cosec इज रेसिप्रोकल ऑफ sin. So as sin 60 is root 3/2, cosec 60 is but obvious 2/√3. Cos 60 is 1/2, sec 60 which is the reciprocal of cos, that means 2/1. Or no need to write divide 1, 2 is only the perfect value. Cot 60, tan 60 root 3, so cot 60 is reciprocal of root 3, 1 upon root 3. अंडरस्टूड एवरी वन? 60 कंसेप्ट बड़ी इजीली समझ में आ गया होगा. कई लोग इसको अलग मेथड से लर्न करते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ. अभी आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी परफेक्टली यूजिंग दिस फैक्ट. ओके,
हियर इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम सी इफ एनी वन सेज एम इज 90 सी इज 60 सो दिस वुड बी 30 डिग्री यस और नो स्टूडेंट्स आधा पूरा ए तो 60 है पर अभी ए एम सी की बात चल रही है सो ये 90 ये 60 तो दिस मस्ट बी 30 क्योंकि 180 से ज्यादा तो टोटल होगा नहीं सो नाउ यू पीपल जंप टू 30 डिग्री यहां पर 30 पर चले जाओ एंड डिस्कस अबाउट ऑल साइन 30 कॉस 30 डिग्री एंड टेन 30 डिग्री जंप टू 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री पर चले जाओ ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो साइन 30 ऑपोजिट अपॉन हाइपो ऑपोजिट एक्स हाइपोटेनियस 2x एक्स एक्स कट दैट मीन्स 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2 उसका रिवर्स कॉसेक 30 डिग्री 2/1 नो नीड टू पुट 1 इनटू द डिनोमिनेटर अगेन कॉस 30 एडजेसेंट रूट 3x अपॉन हाइपोटेनियस सो रूट 3x एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस 2x एक्स एक्स कट दैट मीन्स रूट 3/2 कॉस 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक सो सेक 30 डिग्री 2/√3 अगेन टेन 30 डिग्री ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट एक्स अपॉन रूट 3x एक्स एक्स कट दैट मीन्स 1/√3 टेन 30 डिग्री टेन 30 डिग्री 1/√3 रेसिप्रोकल ऑफ टेन इज कॉट 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1 नो नीड टू पुट 1 इन डिनोमिनेटर रिमेंबर लाइक दिस कैन यू रिमेंबर दिस टू हेलो एवरीवन 30 डिग्री एज वेल एज 60 डिग्री इट्स सो सिंपल टू रिमेंबर याद रखो और लर्न कर लो बेटा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनो इसको याद नहीं रखना है अल्टीमेटली तो यही याद रखना है राइट इसको कुछ भी करके याद करना है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपको दिए जाए तो ये टेबल अगर पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाए उसके बाद मिनिमम देखे बिना 5 बार और देख के 5 बार टोटल 10 times लिखना है 5 times देख देख के और 5 times देखे बिना 10 times फॉर्मूला होमवर्क में रहेगा बेटा ये वीडियो आपको मिल जाए उसके बाद आपको होमवर्क में बताया जाएगा इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस फॉर पर्टिकुलर एंगल्स 0, 30, 45, 60 and 90 सो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स फॉर 30 degree and 60 degree Okay, students, so next we will derive the values of 45 degrees. जहां पर आपको 30 and 60 equilateral triangle में मिल गया तो आपने ये सारे ratios निकाल दिए To get the angles 45 के ratios को निकालने के लिए what we have to do? हमें वही angle के लिए triangle में 45 construct करना पड़ेगा To construct 45 degree, Let's take an isosceles right angle triangle in which AB equals to BC. Sides same होंगे तो opposite to them angles भी same होंगे. 180 में से 90 चला गया बाकी बचा 90 में ये दोनों को equal ही होना पड़ेगा Both are of 45. Isosceles right angle triangle will gives you definitely 45 डिग्री एंगल पाइथागोरस क्या कहता है एसी की वैल्यू लाओ यूजिंग पीजीटी एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बी सी स्क्वायर मतलब अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर एसी स्क्वायर इज 2x स्क्वायर स्क्वायर रूट बोथ दी साइड दैट मीन्स √2x so value of AC is √2 times x now we are in search of sine 45 from C if we say sine 45 opposite
अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स एक्स कैंसल, सो 1/√2. सो वैल्यू ऑफ साइन 45 इज 1/√2, साइन 45. रेसिप्रोकल कॉसेक √2 ओनली, इसका रेसिप्रोकल कर दो. नेक्स्ट कॉस 45, कॉस 45 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन √2x, अगेन दैट इज नथिंग बट 1/√2, कॉस 45 1/√2, एंड रेसिप्रोकल ऑफ दैट इज √2. सिंपली tan 45 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट भी x, एडजेसेंट भी x, 45 का ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो x अपॉन x कैंसल आउट 1, तो tan 45 1, रेसिप्रोकल ऑफ tan 45 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, 1. सो सिंपल है, टू गेट द एंगल्स 30° एंड 60° वी प्रिपेयर अ ट्राइंगल इन सच अ वे that a triangle having both the angle 30° and 60°. Here we have the angle with degree 45, so that we can derive the values of sine 45, cos 45, tan 45. In general, these are the universal values. कितना भी बड़ा triangle हो, triangle बड़ा हो कि छोटा हो कि बहुत छोटा हो, अगर उसके अंदर angle ये रहेगा, तो ratio यही आएंगे. रेशियो यही आएंगे, साइन 60° √3/2, साइन 30° 1/2, हमेशा यही आएगा. दुनिया का कोई भी बड़ा ट्राइंगल हो तो भी रेशियो यही रहेगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स. फटाफट से 45 टेबल में ऐड कर दो, टेबल मैंने एज इट इज रखा है, न्यू टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं करो, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ 45 इन द सेम टेबल. वी विल स्टिल फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 0° एंड 90°. आप ये लिख लो फटाफट पहले. फॉर नेक्स्ट टर्म 0° एंड 90°, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दैट स्टूडेंट्स, कैन वी प्रिपेयर अ 0° एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल? इफ वी प्रिपेयर 0° एंगल एंड 90° एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, सम ऑफ द राइट एंगल साइड्स मे बी डिसअपियर. थीटा डिग्री जीरो बन जाएगा, तो थीटा डिग्री जीरो कब बनता है आपको समझ में आती है ये बात? स्टेप बाय स्टेप अपन एक्सप्लेनेशन समझते हैं, बट थोड़ा सा एजम्पशन का ग्राउंड होगा, थोड़ा लॉजिकल आपको स्मार्ट बनना होगा. व्हेन यू विल कम इनटू 11th साइंस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ इट इज एक्चुअली पॉसिबल. बट नाउ यहां पर जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है, सो स्टेप बाय स्टेप उसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं. साइन की वैल्यूज एंड सॉरी जीरोस की वैल्यूज एंड 90s की वैल्यूज कैसे, बोर्ड पर जरा ध्यान रखना, टिके रहना बोर्ड पर, ध्यान रखना, ये आपकी जनरल एंगल है, ध्यान रखना ये एंगल है. मान लो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल इस बार थोड़ा सा उल्टा बनाया है, उसका रीजन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये थीटा है, ध्यान रखो. अभी ये थीटा कुछ है क्योंकि ए और बी, ये पूरा रे, उसके बिटवीन बहुत सारा डिस्टेंस है, दैट मीन्स ए सी बी इज द एंगल थीटा हैविंग सम वैल्यू, 30° 40° 20° आई डोंट नो, बट हैविंग सम वैल्यू. अगर मुझे ये थीटा को जीरो कर देना है तो धीरे धीरे क्या करना होगा, ए को पकड़ के मैं नीचे लाऊंगा, एग्जैक्टली बी एंड ए सेम पोजिशन पर आ जाएंगे, एग्जैक्टली बी एंड ए सेम पोजिशन पर आ जाएंगे, तो थीटा जीरो बन जाएगा. मैंने क्यों इस तरह से ड्रॉ किया है उसका एग्जाम्पल, ये देखो बी है, ये सी है और ये ए है, ऊपर ये है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, कंसिडर दैट इज द परपेंडिकुलर, ओके. अब ये थीटा जीरो करना है, थीटा जीरो कब कर हो जाएगा, ये एंगल है अभी, दो हाथ के बिटवीन भी एंगल है आप देख सकते हो, वेन इट बिकम्स जीरो, दोनों एक जगह पर आ जाएंगे, तो अगर मैं ए को पकड़ के बी के ऊपर ला देता हूं तो थीटा जीरो बनेगा, एम आई राइट और रॉन्ग? ये दो रेज, ये दो लाइन बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, ये खुला है अभी, ये बंद हो जाएगा, ए बी के ऊपर आके बैठ जाएगा, तो थीटा जीरो बन जाएगा सर ऑटोमेटिकली,
यस सर, अभी ध्यान रखना, ये है ऑपोजिट टू थीटा, ऑपोजिट साइड, ये है एडजेसेंट और ये है हाइपोटेनियस, इफ वी कंसीडर दिस टू थीटा। अब क्या हुआ, ए को बी के ऊपर लाके रख दिया तो ऑपोजिट साइड बिकम्स जीरो, ऑपोजिट साइड की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, समझ लो ऑपोजिट साइड की वैल्यू जीरो हो गई। ध्यान रखना, अगर ए को हम बी के ऊपर ला के रख देंगे, हाइपोटेनियस पूरा सी बी के ऊपर आ जाएगा, ए को उठा के बी के ऊपर लेके आइए, क्लोज हो गया, समझना, फिर से ये बंद हो गया, तो ये परपेंडिकुलर जो था वो तो जीरो हो गया, ऑपोजिट साइड जीरो हो गया। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट की वैल्यू जीरो हो गई, तो जीरो अपॉन एनीथिंग दैट विल बी जीरो, जीरो ये ऑपोजिट का ओ है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, पर ऑपोजिट की वैल्यू जीरो आ रही है, तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, तो साइन जीरो जीरो, ध्यान रखना बेटा। अभी कॉस की बात करें, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, अब क्या हुआ, जब ऐसा हुआ ए बी के ऊपर आके बैठ गया तो हाइपोटेनियस और एडजेसेंट की वैल्यू सेम हो गई। When we substitute A और B सेम पोजिशन पर आ गए, जैसे ये हो गया, ये देखो C, A एंड B, तो हो गया ना बेटा ए बी ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी एंड बी सी तो इक्वल हो गए, ए सी एंड बी सी इक्वल हो गए, A एंड B एक ही जगह पर होगा, तो एडजस्टेंट एंड हाइपो सेम जगह पर हो गए, सेम वैल्यू है, तो ये दोनों सेम वैल्यू है, तो कैंसिल होके क्या आएगा, वन। सो कॉस थीटा में कॉस जीरो की वैल्यू और यहां पर साइन जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो वन, समझना, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस दोनों इक्वल हो जाएंगे, कब, जब ए को बी पर बिठा देंगे, क्योंकि थीटा को तो जीरो करना है हमें। ओके सर, टेन जीरो, टेन जीरो इज नथिंग बट साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो डिवाइड बाय वन, एनीथिंग जीरो अपॉन वन इज ऑलवेज जीरो, सो दैट इज नथिंग बट जीरो। अब रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो, वन का रेसिप्रोकल वन, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, जो चीज डिफाइन नहीं है उसे मैथमेटिकल में इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट भी डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, सो एनी वैल्यू इज डिवाइडेड बाय जीरो, एनी वैल्यू इज डिवाइडेड बाय जीरो, दैट विल गिव्स यू इनफाइनाइट पार्ट, और वी कैन से अनडिफाइंड वैल्यू, वी डोंट नो द वैल्यू। ओके, सो जीरो का रेसिप्रोकल 1 अपॉन जीरो, वॉट एवर अपॉन जीरो, दैट ऑल इज अनडिफाइंड। 90 बाकी है सर, फटाफट से ये लिख लो, पॉज करके लिख लो। चल अभी नेक्स्ट, 90 डिग्री क्रिएट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, देखो 90 भी हो जाएगा, ध्यान से समझना, ओके, ये है बी और ये है ए और ये है सी, ध्यान रखो बेटा, ऑटोमेटिकली ध्यान रखो इधर से, आपको अगर ये थीटा को 90 बनाना है, थीटा को 90 बनाना है, राइट, तो हम थीटा को बड़ा करने के लिए, ये ऊपर करने के लिए उल्टा भी तो कर सकते, इसको धीरे 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 करके डिक्रीज करें, ये पोजीशन पर ले जाए, ये 90 पोजीशन है, तो सी को बी की ओर ले जाए, कन्वर्ट दिस सी इनटू बी, ये जो अभी थीटा जो है यहाँ पर इस तरह से, ये थीटा को अपन इस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना, तो थीटा 90 बनेगा
तो आपको साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट के भी वैल्यूज मिल जाएंगे। ओके माय स्टूडेंट्स, ओके ध्यान रखो किस तरह से होगा। 90 डिग्री बनेगा तो ये जो बेस है ये डिसअपियर हो जाएगा, सी मूव्स टू बी, सी मूव्स टू बी, बी और सी सेम लोकेशन पर आ जाएंगे, तो ये एडजसेंट, ये ऑपोजिट और ये हाइपोटेनियस। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे बेटा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये सी इस बार बी की ओर जा रहा है तो ये थीटा 90 बन जाएगा। ये देखो आप, ये इधर चला जाएगा, अभी ये इस तरह से है, ऐसे सोचो, अभी थीटा बन रहा इधर एल्टीट्यूड सॉरी बेस है, अभी बेस को मैं जीरो कर दूंगा तो ये थीटा 90 बन जाएगा, सी को मैं बी के ऊपर ले जाऊंगा तो ये थीटा क्या बन जाएगा, 90। सो स्टूडेंट्स, साइन 90 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बट व्हेन बी एंड सी एट सेम लोकेशन ऑपोजिट इट्सेल्फ हाइपोटेनियस, क्योंकि सी इधर आ गया तो अब ए सी नहीं रहेगा, ए सी इट्सेल्फ ए बी दोनों सेम हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, दोनों कैंसिल। कॉस 90 एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दिस टाइम दिस एडजसेंट साइड दैट बिकम्स डिसअपियर, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, एडजसेंट की वैल्यू जीरो, तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो। एंड टेन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 90 अपॉन कॉस 90, दैट मीन्स 1/0, एनीथिंग अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड, एंड अनडिफाइंड का दूसरा नाम है इनफाइनाइट। लास्ट टाइम क्या किया था, ए को बी के ऊपर बुलाया था, और 90 की डिग्री के लिए कारण है सी को बी के ऊपर बुलाना है, वैसे तो ये थोड़ा नामुमकिन है बेटा। इससे अलावा भी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है हाउ द वैल्यूज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री डिराइव, वो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहती है, बट एनसीईआरटी बुक में ये गिवन है इस बार, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता। चलो 90 डिग्री में भर दो, 1 0 एंड नॉट डिफाइंड, 1 0 एंड नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड के बदले आप क्या लिख सकते हो, इनफाइनाइट। चलो कॉसेक साइन थीटा का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1, सेक कॉस का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट। कॉट 1090 इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड और इनफाइनाइट। सिमिलरली रेसिप्रोकल ऑफ अनडिफाइंड और इनफाइनाइट दैट इज 0, सो रिमेंबर दिस थिंग, 1090 डिग्री इनफाइनाइट, कॉट 90 डिग्री 0, ये टेबल जी जान लगा के याद रहना चाहिए, 10 टाइम्स लिखना है याद रखो। कई लोग इसको टेक्निक में ले जाते, ये वैल्यूज कैसे बने, तो वो 1/4, 2/4, 3, सी दैट इज द कोइंसिडेंट, वो याद रखने का तरीका है। द ओरिजिनल फैक्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू फॉर ईच एंड एवरी एंगल, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब ये टेबल को याद रखने की जिम्मेवारी आपकी है। कैसे याद रखो, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3, टेन 60 √3, ये पहले तीन याद रखो, नीचे वाले भूल जाओ मत याद रखो, उसको याद करके रेसिप्रोकल कर लेंगे। कैसे, sec 60 उबोरे पे, cos 60 मालूम है, हाँ मालूम है ना, 1/2 sec 62, tan 30 याद है तो cot 30 ऑटोमेटिक निकल के आएगा, sin cos 10 को याद कर लो, sec cosec एंड cot ऑटोमेटिक अपने आप निकल के आएंगे। सो बी रिलैक्स शांति से, ये साइन कॉस टेन पहले लिखना पूरा है, होमवर्क पूरा का पूरा करना है, किसी को याद रह जाएंगे फटाफट ये वैल्यूज, बट साइन कॉस टेन के वैल्यूज तो याद रखने, और सिमेट्रिक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इसका रिवर्स, ये 1 ये √3/2 ये 1/√2 ये 1/2 और ये 0, टेन थीटा इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस, 0 अपॉन 1 इज 0, √2/√2 कैंसल, 1/√3, सेम टू सेम कैंसल, 1/2/2 कैंसल, √3/1, 1/0 नॉट डिफाइन, सिस्टमेटिक। फर्स्ट लाइन याद रखो, ये सब कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट कंसेप्चुअली मैंने एक्सप्लेन किया है,
आप कंसेप्चुअली याद रखो, फिर ट्रिक से भी याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसकी वैल्यूज़, इसके ऊपर से क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रैक्टिस अभी भी बाकी है, बट बी रेडी। ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट थर्सडे को ही आ रहा है, थर्सडे को सब्जेक्टिव टेस्ट है, और ये टेस्ट को अपीयर घर बैठे बैठे थियोरी पार्ट में करना है। बी रेडी फॉर दैट और विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। संडे को भी साइंस का टेस्ट है कुछ, उसके लिए भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय, सी यू। Thank you.